नमस्कार दोस्तों, कमल तारणा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे दो चैनल चले हुए हैं इंटरनेट पे, यूट्यूब पर। जो मेरा फर्स्ट चैनल है वो टेक्निकल शिवम जी नाम से है। बहुत सारे दोस्त मेरे सब्सक्राइब किए हुए हैं इस चैनल को। यहाँ पर मैं टेक्निकल संबंधित बहुत सारी मोबाइल टेक्निकल, कंप्यूटर टेक्निकल, बहुत सारे छोटे मोटे जानकारी मैं वहाँ पर देता रहता हूँ। दोस्तों ये चैनल है मेरा, ये मैंने एक्स्ट्रा चैनल में रखा है। यूट्यूब पता नहीं कब इसका चैनल कब बंद कर दे, तो इसके लिए जो है मैंने अपने दूसरे चैनल की तैयारी की हुई है। तो दोस्तों मैं इस चैनल पे आपको आज बताता हूँ कि मेरे चैनल है, मैं इस पे आपको शासन प्रशासन संबंधी जानकारी, लॉ संबंधी जानकारी मैं आपको दूंगा। इस पर बहुत अच्छी अच्छी बहुत कीमती बेस कीमती ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको मेरे चैनल को लगातार बने रहिए मेरे चैनल पे। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मैं ये आपको आज की वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से जो हमारा शासन तंत्र है, जो भ्रष्ट शासन तंत्र है, सबको नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो रिश्वत वगैरह लेते हैं। हमारे ज़्यादातर जो हमारे कर्मचारी हैं वो बहुत सुलझे हुए हैं, अपनी लगन मेहनत से काम करते हैं, लेकिन उनमें सब कुछ रिश्वत हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप जो है अपनी शिकायत को, किसी अधिकारी की शिकायत को आप जो है शासन प्रशासन से संबंधित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें ऐसा होता है जैसे कि आपके ब्लॉक क्षेत्र में है, गांव क्षेत्र में है, या आपके शहर सिटी में है, आपके जो एरिया में क्षेत्र में कोई अधिकारी है या कोई आपकी सुनवाई नहीं कर रहा है, आपको अत्याचार कर रहे हैं, आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो आप उसकी शिकायत कर सकते हैं शासन प्रशासन से। तो उसमें आपको क्या है ना, आज मैं आपको जन सुनवाई पोर्टल के बारे में बताऊँगा। जन सुनवाई पोर्टल के अंतर्गत आपको जो है, जो यूपी सरकार है उसके अंतर्गत आपको आपकी शिकायत पहुंचाएगी। इस साइट पर ऐसा होता है कि आपको अपनी शिकायत की स्थिति दे सकते हैं कि आपकी शिकायत पर कितनी स्थिति, किस स्थिति में आपकी शिकायत है। और अगली बात जो है, आप इसमें अपने इस पोर्टल पे आप अपना रैंकिंग दर्ज कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं कि कितना आप उसको वो दे सकते हैं। तो यानी कुल मिला के बहुत अच्छी है। अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं होती तो आप उसको दोबारा आप उसको रिपीट कर सकते हैं, उसमें सारी सुविधा मौजूद है साइट पे। तो आप जो है अपनी शिकायत योगी जी तक पहुँचाइए, उत्तर प्रदेश सरकार तक पहुँचाइए। किस तरीके से पहुँचाते हैं मैं आपको बताता हूँ, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अपने गूगल पर टाइप कीजिए जन सुनवाई पोर्टल, वो जो सबसे पहले वेबसाइट है यहाँ पे उसको खोल लीजिए। आप देखिए सबसे पहले जो वेबसाइट आ रही है इसी को आपको ओपन करना है। देखिए हम जो है मुख्य वेबसाइट पर पहुँच गए हैं। यहाँ पे क्या करना है आपको, देखियो ये वेबसाइट है, इसमें आप जो है अपना किसी भी तरीके की शिकायत आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो है शिकायत पंजीकरण का है, शिकायत की स्थिति अनुसरण भेजिए। कुल मिला के इसमें सारी कार्रवाई हो सकती है। आप अपनी 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 शिकायत की स्थिति भी देख सकते हैं कि हमारी शिकायत की किस स्थिति में है हमारी शिकायत, और आप अपने उसको अगर सुनवाई नहीं होती तो उसको दोबारा घंटा बजा के भी आप कर सकते हैं। और हाँ, इस पर आप अपना फीडबैक दे के भी इनको जो है बता सकते हैं। फीडबैक देना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये देखिए संदर्भ की स्थिति, कितनी सूचनाएँ आ चुकी हैं, बहुत जो है शिकायतें हैं जिसमें से कि बहुत ये लगा, यहाँ पे 37 लाख में से यहाँ पे जो है 34 लाख ये शिकायतें हो चुकी हैं। 37 लाख में से 34 लाख का निपटारण हो चुका है। देखिए आप उसको जो साइट है इसको आपको मोबाइल पे भी आपको उपलब्ध है, इस पे जो है गूगल प्ले स्टोर पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें शुरू करते हैं। देखो शिकायत पंजीकरण के लिए आपको जो जैसे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक फॉर्म खुल कर आ जाएगा, इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर या अपनी ईमेल आईडी डालनी है। जैसे आप अपना इसमें मोबाइल नंबर टाइप करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है। ईमेल आईडी डाल दीजिए या जो है आप
अभी मोट OTP आया नहीं है, थोड़ा वेट करते हैं ज़रा। दोस्तों आपका जो प्रश्न है इसमें, ये आपका मुख्य प्रश्न जो है एप्लीकेशन का खुल चुका है। इसमें देखिए आपको शिकायत सलाह अन्य सामूहिक शिकायत, किस तरह की शिकायत करनी है आपको, सब कुछ इसमें दर्ज है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखो यहाँ पे आपको किस अधिकारी को ये भेजना है, ये सब कुछ है दे रखा है इसमें। देखिए आपको मैं बता दूँ इसमें करके, आपको हम जिला स्तर पर नहीं भेज सकते हैं इसमें, या आप तहसील स्तर पर किसी भी तरीके के आप जो है इसमें दे सकते हैं। नहीं, मैं जो इसको शासन स्तर भेजना चाहता हूँ। ये देखिए कौन से विभाग से है, विभाग भी आपको इसमें चुनना पड़ेगा। मैं खाद्य रसद विभाग चुनता हूँ। ये डीलर से संबंधित शिकायत होगी, जो कोटा डीलर होता है उसका पद चुन लीजिए आप अधिकारी का। यहाँ से संदर्भ श्रेणी चुन लीजिए आप, इसमें राशन कार्ड की क्या प्रॉब्लम है आपकी जो डीलर की, या नियमित जांच के खिलाफ आवेदनकर्ता का विवरण, यहाँ फल विवरण आपको भरना है, तो नाम डाल दीजिए इसमें। पिताजी का नाम डाल दीजिए, लिंग में भर दीजिए स्त्री या पुरुष क्या है, दूसरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ आप सबमिट कर सकते हैं इसमें। आधार कार्ड नंबर आपको डाल दीजिए, क्षेत्र है या नगर है क्या है वो भी डालना होगा आपको। विकास यहाँ पे आपको पूरा डाटा अपना भरना है, जो काम किस क्षेत्र से संपर्क है आपका। यहाँ पे आपका जो भी जनपद है, मैं आपको उत्तर प्रदेश के लिए बता रहा हूँ, शिकायत करनी है। विकासखंड यहाँ पे चुन लीजिए, आपका इसमें फुल डाटा फीड होगा। कोई भी सूचना आप गलत ना भरें इसमें, इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी शिकायत का निस्तारण करने में शिकायत प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसमें कोई टेंशन की कोई बात नहीं है, आप बेफिक्र होकर आपने जो इसमें अपना पूरा डाटा भरिए। देखिए इस कॉलम में आपको जो आपकी शिकायत है वो इसमें डाल सकते हैं। इस शिकायतकर्ता का के बारे में डाला जा रहा है, इसमें कोई आप पढ़े लिखे हैं सब कुछ, आपको क्या देखना है बहुत सिंपल है इसको फॉर्म भरने में, जो उसको पढ़ लीजिए, हिंदी में वेबसाइट दे रखिए, पढ़ के आप डाल दीजिए, जो संदर्भ मांगता है वो डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे जो मुख्य चीज़ है ना, आवेदन पत्र का विस्तृत विवरण लिखा हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके आप जो है इसको पूर्व पूरी तरह से भर दीजिए, सही करके शिकायत अपनी क्या क्या लिखना है आपको यहाँ पर टाइप कर दीजिए अपना मैटर। और यहाँ पर जो है आवेदन एवं संबंधित दस्तावेज अपलोड है, यहाँ पर आपको कोई फोटो अगर हो तो फोटो अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए उसके बाद संदर्भ क्लिक करें, मैं ऐसा ना मैंने सूचना नहीं भरी है ना, तो इसलिए मैं अपना फॉर्म सबमिट नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए ऐसा रहा,
आपको सही सही भरना है, आवेदन पत्र का जो विवरण है ये सही सही भरना है आपको, ठीक है। आवेदन पत्र का मैं आपको फिर बता दूँगा, आवेदन पत्र का जो विवरण है इसमें आपको फुल डिटेल्स भरनी है, आपको क्या प्रॉब्लम है डीलर से। यहाँ पर देखिए आवेदन पत्र का विस्तृत वो जो लिखा हुआ है, यहाँ पर पूरा विवरण लिखना है कि आपको किस तरीके से 3-4 हज़ार शब्दों में लिखना है। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अपने दोस्तों को लाइक शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।